हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत कैथल में महाराजा अग्रसेन के नाम पर आयोजित कवि सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने यहां लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज ने अपनी मेहनत से उद्योग व्यवसाय को विकसित किया है तथा लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। उन्होंने आगे कहा कि देश की प्राचीन संस्कृति को सहेजने के लिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें तथा मोबाइल क्रांति के इस युग में बच्चों पर निगरानी रखें। तकनीकी युग में बच्चे पश्चिमी संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बड़े खेद का विषय है। आज देश में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। हम धनवान होते हुए भी अपने बूढ़े माता पिता के लिए एक चारपाई की जगह भी नहीं जुटा पा रहे। ये बहुत ही दुख की बात है। लोगों का इस देश के विकास में और लोगों को रोजगार देने में और इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भी जहां उद्योगों में बढ़ चढ़ करके आगे इस देश को बढ़ा रहे हैं, जिनके माध्यम से अनेक लोगों को रोजगार प्राप्त होते हैं, उसके साथ साथ अग्रवाल समाज दान देने के क्षेत्र में सर्व से आगे